कला संस्कृति मेधा और रोजगार के मंच गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शुक्रवार को शामिल होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रांच गोरखपुर को और मजबूत करेंगे। समापन समारोह में अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मुख्यमंत्री 10 लोगों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित भी करेंगे। वर्ष 2017 से गोरखपुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रगति की नई उड़ान भरी है। कभी पिछड़ेपन का दंश झेलने वाले इस जिले ने विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेहतरीन रोड और एयर कनेक्टिविटी, खाद कारखाना, पिपराइच चीनी मिल, एम्स, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, आयुष विश्वविद्यालय, चिड़ियाघर, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे अनेक प्रोजेक्ट्स की सौगात पाने के साथ यह निखरे रामगढ़ ताल की अगुवाई में एक नए टूरिस्ट सेंटर के रूप में भी ख्याति बटोर रहा है। विकास और रोजगार के साथ यहाँ की कला संस्कृति भी लगातार संरक्षित और समृद्ध हुई है। इन सबको समेटते हुए गोरखपुर महोत्सव एक आईना के रूप में है। यह महोत्सव कला संस्कृति पर्यटन व रोजगार का भी सशक्त मंच बना है। इस बार गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ 11 जनवरी को हुआ। रामगढ़ ताल के सामने चंपा देवी पार्क मैदान में चल रहे महोत्सव के समापन समारोह में शुक्रवार अपराह्न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सानिध्य प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री इस समारोह में 10 विशिष्ट लोगों को गोरखपुर रत्न सम्मान प्रदान करेंगे। यह सम्मान खेल, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान, उद्योग, कला व साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को मिलेगा। सीएम योगी के हाथों इन्हें मिलेगा गोरखपुर रत्न सम्मान। आदित्य यादव, मूक बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी, ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता टीम की सदस्य। गोविंद साहनी, एशियन चैंपियनशिप 2022 बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता। अतुल सिंह, एशियन चैंपियनशिप व वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता। अमन राज, टेनिस बॉल क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। श्रीलंका, यूएई, भूटान, थाईलैंड और एशिया कप में स्वर्ण पदक प्राप्त। डॉक्टर अनीता अग्रवाल, हिंदी साहित्य अकादमी से 2 बार सम्मानित साहित्यकार। पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान। डॉक्टर सीमा मिश्रा, गोरखपुर विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, वॉन हेबोल्ज फेलोशिप से सम्मानित। दी बायोलॉजिस्ट सेंटर ऑफ चेक एकेडमी ऑफ साइंसेस, लिप्जिंग जर्मनी से बतौर DFG रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में जुड़ी हैं। SK अग्रवाल, उद्योगपति, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लगातार कार्यरत, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक सचिव, पूर्व अध्यक्ष। संगीता पांडे, महिला उद्यमी, 1500 रुपए से कार्य शुरू कर पैकेजिंग इंडस्ट्री में बनाई पहचान, 100 महिलाओं को दे रही रोजगार। डॉक्टर चारुशिला सिंह, शिक्षिका एवं राष्ट्रीय ख्याति की कवित्री। अशोक महर्षि, 1972 से रंगमंच के क्षेत्र में कार्यरत, राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट एक्टर के रूप में पुरस्कृत, जिन्होंने 18 फिल्मों में कार्य किया है।